जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप लोगों का डाउट आ रहा था कि अभी आपका रिजल्ट जो है आ नहीं रहा है, यानी कि लेट हो चुका है, तो क्या मेरिट लिस्ट पोस्टपोन हो जाएगी। तो जी हाँ, अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट 1 से 2 दिन के अंदर नहीं आता है तो आपकी मेरिट लिस्ट पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट की जो डेट दी है वो 23 अप्रैल को आने की थी, यानी कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 23 अप्रैल को आनी थी। अभी तक आपका रिजल्ट ही नहीं आया है। और साथ में ये भी आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में ऑफिशियल कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दी गई है। बीच में साइट जो है वो यहाँ पे मेंटेनेंस में गई थी, तो लग रहा था कि रिजल्ट अपलोड हो जाएगा, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, ना ही इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आई है। तो अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, इस वजह से लेट हो चुका है। और अभी आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट की डेट है वो भी पोस्टपोन हो सकती है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ क्यों। मान लीजिए अगर मान लीजिए रिजल्ट आपका अभी आ जाता है 1-2 दिन के अंदर, तो भी आपका जो कम से कम 12 से 15 दिन तो टाइम देंगे ही, मिनिमम 10 दिन भी मान लेते हैं, तो अप्रैल में आपके हो जाएंगे आपके फिजिकल। तो 4 से 5 दिन आपका फिजिकल चलेगा। अगर हम मान लेते हैं कि अगले 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, तो भी आपका जो फिजिकल है, फिजिकल की डेट वो जाएगी अप्रैल में, और वो जाएगी 5 से 10 अप्रैल। अगर बहुत जल्दी कराते हैं तो फिर 5 से 10 अप्रैल के बीच में जाएगी। वहीं पे आपका इनिशियल मेडिकल होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे री मेडिकल दिया जाता है, तो री मेडिकल में 21 डेज का लगभग टाइम दिया जाता है। तो इस वजह से आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने की चांसेज हैं वो अब 23 अप्रैल को तो बिल्कुल नहीं है। आपका जो मेरिट है वो पोस्टपोन हो जाएगी, आपकी डेट बढ़ जाएगी। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं दिया जाएगा और रिजल्ट के तुरंत बाद आपको बुला लिया जाएगा फेज टू के लिए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग अपनी रनिंग की प्रिपरेशन जरूर करते रहें। अपना पूरा फेज टू का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि फेज टू में आपका एक और एग्ज़ाम भी होगा, तो इस वजह से आपको प्रिपरेशन करते रहना है। अगर बात करें आपके रिजल्ट की, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो ऑफिशियल इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगी आपको ज़रूर बता दूंगा। तो आप लोग के कमेंट थे कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपने कहा था आ जाएगा, तो मैंने सिर्फ एक्सपेक्टेशन जो नेवी ने बोला था, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला था कि इतने दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मैंने भी वही बोला था कि इतने दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए नेवी ने ही पोस्टपोन कर दिया और उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट भी नहीं दी कि क्यों रिजल्ट डिले हो रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। हो सकता है उसमें कोई अंदर कोई इशू हो, कोई दिक्कत हो सकती है, तो जो भी होगा तो पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा या फिर कोई अपडेट आएगी। तो फिलहाल अभी कोई रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ आपकी मेरिट लिस्ट पोस्टपोन जरूर हो जाएगी, ये कन्फर्म कह सकता हूँ। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।